परिचय बच्चों अनुपात का अर्थ है दो राशियों की तुलना करना एक टोकरी में दो तरह के फल हैं बीस केले और तीस सेब तो केलों की संख्या का सेब की संख्या की तुलना में अनुपात है बीस अनुपात तीस केलों की संख्या सेबों की संख्या का दो बटा तीन है जिसे कहेंगे दो अनुपात तीन उद्देश्य इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे ब्याज की परिभाषा बताना छूट की गणना और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना बिक्री कर और मूल्य संवर्धित यानी वैट कर की गणना करना वार्षिक और छमाही चक्रवृद्धि ब्याज की गणना के लिए चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र लगाना उदाहरण एक स्कूल में आठवीं कक्षा के छात्रों के लिए घूमने जाने का कार्यक्रम बनाया गया कक्षा के कुल छात्रों में 40 प्रतिशत लड़कियां हैं जिनकी संख्या 18 है घूमने जाने का स्थान स्कूल से 250 किलोमीटर दूर है और बस कंपनी पंद्रह रुपए प्रति किलोमीटर की दर से किराया लेगी खाने पीने का कुल खर्च चार हजार पांच सौ रुपए होगा अगर छात्रों के साथ दो शिक्षक भी जाते हैं तो प्रति व्यक्ति कितना खर्च आएगा हल मान लीजिए कुल छात्रों की संख्या है एक्स और एक्स का चालीस प्रतिशत लड़कियां हैं गणना करने पर छात्रों की संख्या बराबर पैंतालीस है लड़कों की संख्या बराबर 45 घटा 18 बराबर सत्ताईस लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या है दो बटे तीन जिसे हम इस तरह से लिखेंगे और पढ़ेंगे दो अनुपात तीन प्रति व्यक्ति लागत निकालने के लिए परिवहन शुल्क बराबर आने जाने की दूरी गुणा दर जो कि गणना करने पर रुपए सात हजार पांच सौ है कुल खर्च बराबर खाने पीने की लागत जमा परिवहन लागत जो कि गणना करने पर रुपए बारह हजार है कुल व्यक्तियों की संख्या बराबर अठारह लड़कियां जमा सत्ताईस लड़के जमा दो शिक्षक बराबर सैतालीस तो प्रति व्यक्ति खर्च रुपए दो आएगा उदाहरण एक बाइक की कीमत पिछले साल पैंतालीस हजार रुपए थी इस साल इसमें 20 प्रतिशत की वृद्धि हो गई है तो अब इसकी कीमत क्या है हल एक बाइक की कीमत बराबर पैंतालीस हजार रुपए प्रतिशत वृद्धि बराबर 20 पैतालीस हजार का बीस प्रतिशत होगा रुपए नौ हजार नई कीमत बराबर पुरानी कीमत जमा वृद्धि बराबर पैतालीस हजार रुपए जमा नौ हजार रुपए बराबर चौवन हजार रुपए। बिक्री बढ़ाने के लिए बाइक की कीमत में पांच प्रतिशत कमी कर दी गई अब देखें कि बाइक की कीमत क्या होगी बाइक की कीमत बराबर पैतालीस हजार रुपए कमी पैतालीस हजार का पांच प्रतिशत बराबर दो हजार दो सौ पचास नई कीमत बराबर पुरानी कीमत घटा कमी गणना करने पर हम पाएंगे बयालीस हजार सात सौ पचास रुपए छूट का पता लगाना किसी भी वस्तु पर लिखी कीमत एम पर दी गई कटौती छूट कहलाती है छूट बराबर लिखी कीमत घटा बिक्री कीमत प्रतिशत में अनुमान लगाना किसी दुकान पर आपका बिल है चार सौ अट्ठानबे रुपए बीस पैसे और दुकानदार आपको दस प्रतिशत की छूट देता है तो आप कैसे अनुमान लगाएंगे कि आपको कितना भुगतान करना है बिल को चार सौ अट्ठानबे दशमलव बीस रुपए के निकटतम दशांक यानी 500 पर ले आए अब इसका 10 प्रतिशत निकालें यानी रुपए दस बटे सौ गुणा पांच सौ बराबर पचास इसका अर्थ हुआ कि आपकी बिल राशि पचास रुपए कम यानी चार सौ पचास रुपए के करीब होगी क्रय और विक्रय से संबंधित कीमतें लाभ और हानि मैं पेन पर तीन रुपए और कागज पर दो रुपए खर्च करूं तो खर्च होगा पांच रुपए ये मुझे तीन रुपए का लाभ देगा जो है तीस लागत प्रतिशत लागत मूल्य बिक्री कीमत लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत निकालना उदाहरण एक दुकानदार ने दो सौ गुड़ियां खरीदी एक गुड़िया की कीमत पांच रुपए थी बीस गुड़ियां टूटी निकली और उन्हें फेंकना पड़ा बाकी की गुड़िया आठ रुपए प्रति गुड़िया की दर से बेची गईं। लाभ या हानि का क्या प्रतिशत रहा हल 200 गुड़ियों की लागत बराबर 200 सौ गुणा पांच बराबर एक हजार रुपए बीस गुड़ियां टूटी निकली बाकी बची गुड़ियां बराबर 200 घटा बीस 20 बराबर 180 इन्हें बेचा आठ रूपये प्रति गुड़िया की दर से एक सौ अस्सी गुड़ियों की बिक्री कीमत बराबर एक सौ अस्सी गुणा आठ बराबर एक हजार चार सौ चालीस रुपये दुकानदार का लाभ हुआ बिक्री कीमत क्रय कीमत से ज्यादा है लाभ बराबर एक हजार चार सौ चालीस घटा एक हजार बराबर चार सौ चालीस रुपये एक हजार रुपये पर 440 रुपए का लाभ हुआ तो 100 रुपए पर कितना लाभ मिला गणना करने पर हमने लाभ 44 प्रतिशत पाया बिक्री कर निकालना एक दुकान पर एक जोड़ी जूते की कीमत 1450 रुपए थी उस पर 8 प्रतिशत बिक्री कर लिया गया बिल की कुल राशि कितनी हुई हल सौ रुपए पर टैक्स बना आठ रुपए तो एक हजार चार सौ पचास रुपए पर टैक्स बनेगा एक सौ सोलह रुपए। बिल राशि बराबर वस्तु की कीमत जमा बिक्री कर बराबर एक हजार चार सौ पचास जमा एक सौ सोलह बराबर एक हजार पांच सौ छियासठ रुपए मूल्य संवर्धित कर यानी वैट निकालना रीना ने नौ हजार आठ सौ रुपए की वॉशिंग मशीन खरीदी जिसमें दस प्रतिशत टैक्स भी शामिल है मूल्य संवर्धित कर लगने से पहले मशीन की कीमत कितनी थी मूल्य संवर्धित कर के साथ वॉशिंग मशीन की कीमत बराबर नौ हजार आठ सौ रुपए नौ हजार आठ सौ का दस प्रतिशत बराबर नौ सौ अस्सी रुपए मूल्य संवर्धित कर लगाने से पहले कीमत बराबर 9800 घटा 980 बराबर 8820 रुपए साधारण ब्याज बैंक या डाकखाने में जमा राशि पर जो अतिरिक्त राशि दी जाती है उसे ब्याज कहते हैं जब लोग इनसे राशि उधार लेते हैं तो वो इन्हें ब्याज देते हैं ब्याज राशि समयावधि और ब्याज दर पर निर्भर है उदाहरण दो साल के लिए दो हजार रुपए की राशि छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर ली गई इस राशि पर साधारण ब्याज कितना होगा और दो साल बाद कितनी राशि देय होगी हल दो हजार रुपए पर लिया गया ब्याज बराबर है एक सौ बीस रुपए के दो साल का ब्याज बराबर एक सौ बीस गुणा दो बराबर दो सौ चालीस दो साल के अंत में देय राशि बराबर मूलधन जमा ब्याज बराबर दो हजार जमा दो सौ चालीस बराबर दो हजार दो सौ चालीस चक्रवृद्धि ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज तब लगना शुरू होता है जब मूलधन में ब्याज भी जोड़ दिया जाता है उसके बाद से जोड़े गए ब्याज पर भी ब्याज लिया जाता है मूलधन में ब्याज की राशि जोड़ने को चक्रवृद्धि कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हरि ने दो वर्ष के लिए चौबीस हजार रुपये पांच प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार लिए कदम एक एक वर्ष का साधारण ब्याज निकालें प्रथम अवधि के लिए मूलधन मान लीजिए P1 एक बराबर चौबीस हजार रुपए। पहले वर्ष के लिए पांच प्रतिशत ब्याज होगा बारह सौ रुपए कदम दो तो, अब वो राशि निकालें जो ली या दी जानी है ये अगले साल की मूल राशि हो जाएगी पहले साल की समाप्ति पर राशि होगी पच्चीस हजार दो सौ रुपए जो कि बराबर है P2 के कदम तीन अब फिर से इस राशि पर एक और साल के लिए ब्याज निकालें यह होगा बारह रुपए कदम चार दूसरे साल के अंत में राशि बराबर P2 जमा एस आई दो बराबर पच्चीस हजार दो तो जमा एक हजार दो सौ साठ रुपए बराबर छब्बीस हजार सौ साठ रुपये दिया गया कुल ब्याज बारह सौ रुपये जमा बारह सौ साठ रुपये बराबर दो हजार चार सौ साठ रुपए हम साधारण ब्याज की इस तरह भी गणना कर सकते हैं दो वर्ष के लिए साधारण ब्याज होगा चौबीस सौ रुपए अतः चक्रवृद्धि ब्याज देने पर हरि को साठ रुपए अधिक देने होंगे वार्षिक या छमाही चक्रवृद्धि दर जिस समय अवधि के बाद ब्याज को नया मूलधन बनाने के लिए जोड़ा जाता है उसे परिवर्तन अवधि कहते हैं जब ब्याज को छमाही आधार पर संयोजित किया जाता है तो साल में हर छमाही के बाद दो परिवर्तन अवधि होती हैं। ऐसी स्थिति में छमाही की दर वार्षिक दर से आधी होगी क्योंकि ब्याज का संयोजन तिमाही के आधार पर होता है इसलिए एक साल में चार परिवर्तन अवधि होगी और तिमाही दर वार्षिक दर का एक चौथाई होगी उदाहरण छमाही में संयोजित दस प्रतिशत की वार्षिक दर से डेढ़ साल के लिए पंद्रह हजार रुपए की ऋण राशि पर कितनी राशि का भुगतान करना होगा हल दो साल में तीन छमाही पड़ेंगी इसलिए संयोजन तीन बार होगा ब्याज की दर बराबर दस प्रतिशत का आधा बराबर पांच प्रतिशत छमाही सारांश आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। छूट लिखित कीमत पर दी जाने वाली कटौती होती है छूट बराबर लिखित कीमत घटा बिक्री कीमत छूट प्रतिशत दी जाने पर छूट की गणना की जा सकती है छूट बराबर लिखित कीमत पर छूट प्रतिशत कोई वस्तु खरीदे जाने के बाद लागत में जोड़ा जाने वाला अतिरिक्त खर्च ऊपरी व्यय कहलाता है लागत कीमत बराबर खरीद कीमत जमा ऊपरी व्यय कोई भी वस्तु बेचे जाने पर सरकार बिक्री कर वसूलती है जिसे बिल राशि में जोड़ा जाता है बिक्री कर बराबर बिल राशि का कर प्रतिशत विगत वर्ष की राशि ए बराबर पी जमा आई पर लिया गया ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है